भागलपुर के सुल्तानगंज में 16 वर्षीय युवती ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवती की पहचान स्वर्गीय नरेश चौधरी की पुत्री मुन्नी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतका के भाई सनोज कुमार ने बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, जबकि वो 4 भाई बहन हैं, जिनमें 2 भाई और 2 बहन हैं। सनोज कुमार ने बताया कि उसकी एक बहन की शादी हो गई है, जबकि एक भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। साथ ही कहा कि वह घर से बाहर काम करने गया था, तभी उसकी बहन मुन्नी कुमारी घर के बांस के ठाट में दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली, जिसकी जानकारी उसे काम से लौटकर घर आने के बाद मिली। सनोज ने कहा कि घटना से पहले घर में खाने को लेकर हल्का विवाद हुआ था, लेकिन इस घटना को लेकर उसे कोई जानकारी भी नहीं है। इधर घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं पुलिस घटना के कारणों की छानबीन करते हुए मृतका के भाई सनोज कुमार से पूछताछ कर रही है। घटिया तुम्हारे यहाँ? हम घर में नहीं थे। क्या नाम है तुम्हें? मेरा नाम सनोज कुमार है। कहाँ पे घर है? यही घर है मेरा। बात घटना कैसे घटना घटा कि हम थे उधर जी, नहीं हम काम करने गए थे, काम करने गए थे, फिर आए तो देखे ऐसे हो गया। क्या हो गया? कि मतलब फांसी लगा लिया। कौन फांसी लगा? बहन। क्या नाम है? मुन्नी कुमारी। क्या चीज़ में फांसी लगाया? अति वर्णीज न है, 19 वही लगा लिया। क्या चीज़ में? वही जो ठाट उठ है। ठाट में? हाँ, ठाट में लटक के जी जान दे दी। हाँ। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल जेल के समीप पुलिस की बेलेरो ने रोड क्रॉस कर रही 2 महिलाओं को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायल महिलाओं को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि एक महिला बोलेरो के आगे शीशे पर आकर गिर पड़ी, जिससे बोलेरो के आगे का शीशा भी टूट गया। वहीं घायल महिला का कहना है कि वे दोनों दियारा से घास लेकर हवाई अड्डा के पास संतनगर मोहल्ला स्थित अपने घर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार पुलिस की बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल महिला की पहचान सुनीता देवी और बिजली देवी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी और महिलाओं को टक्कर मारने के बाद भी भाग रही थी, तभी वहां मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस गाड़ी को रोककर ड्राइवर से दोनों घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा गया, जिसके बाद बोलेरो चालक ने दोनों महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गया। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र बिरबन्ना में भीषण आगजनी की घटना हुई, जिसमें एक घर में लगी आग इस कदर फैल गई कि देखते ही देखते 100 घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस अगलगी में 22 वर्षीय गुलशन की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को गुलशन की शादी होने वाली थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण आग की चपेट में आने से घर के साथ गुलशन भी उसकी भेंट चढ़ गया, जबकि इस घटना में 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं आग लगने की जानकारी इलाके में फैलते ही ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग की तेज लपटों के कारण घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर बीपुर विधायक कुमार शैलेंद्र, एडीएम नौगछिया, एसडीओ और एसडीपीओ समेत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लेकर लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया। वहीं इसको लेकर बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र और एसडीओ उत्तम कुमार ने कहा कि आगजनी का शिकार हुए सभी घायलों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि मृतक के परिजनों को आपदा के तहत 4,00,000 रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही कहा कि भवानीपुर ओपी में एक और अग्निशमन की गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा और जिला के साथ नौगछिया प्रशासन घायल और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा। अभी गर्मी का मौसम और आज का दिन काफ़ी गर्मी था और हवा भी तेज़ थी, जैसा कि ग्रामीणों ने कहा, और ये तो एक प्राकृतिक आपदा टाइप का है कि मतलब आग लग गया, एक बार लोगों को समय नहीं मिला, उसके बाद एक जान भी गया है। हम तो दुख व्यक्त करने आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो यहाँ देना है, एडीएम आए थे, डीओ सीओ सारे अधिकारी आए हैं, अभी तुरंत चापाकल ठीक करने के लिए कहा है, बिजली
और लाइट और रात में खाना का भी इंतजाम होगा। अभी जो मृत परिवार है उनको 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये सब व्यवस्था अभी तो हम हैं यहाँ, देखते हैं। और क्या अभी जो सूचना मिल रही है लगभग 100 से अधिक घरों की सूचना है। बाकी हमारे 3 अंचलों के राजस्व कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, जिनके घर का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को वास्तविक फिगर मिलेगा। जो बच्चा जला है उसके परिवार वालों को क्या सरकारी सहायता मिल सकता है? जो आपदा का नाम था उसका मतलब कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आपदा के तहत 4 लाख रुपये का जो मुआवजा का प्रावधान है। मवेशी भी जला है सर? मवेशियों के लिए भी अभी पशुपालन पदाधिकारी भी आ रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा। और जो मवेशी का जैसे बड़े दुग्धकारी जानवर मरते हैं उसके लिए 30,000 रुपये का प्रावधान है। उस अनुसार जो आपदा के नॉर्म था उसके अनुसार सभी लोगों को जो देरी रकम होगी वो भागलपुर DIG कोटी के समीप पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन DIG विवेकानंद ने फीता काट कर किया। इस दौरान रक्तदान शिविर की शुरुआत पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद के द्वारा रक्तदान कर किया गया, जबकि इसके बाद DIG ने बैंक और ग्लोकल ब्लड बैंक प्रबंधन को भी इस तरह के कार्यक्रम की पहल के लिए साधुवाद दिया। दरअसल बुधवार को PNB के 129वें स्थापना दिवस पर प्रबंधन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें बैंक के मंडल प्रमुख प्रभास चंदलाल, रमाशंकर पंडित और ब्लड बैंक के चेयरमैन वाजिद अंसारी की मौजूदगी में बैंक के कई अधिकारियों और कर्मियों ने रक्तदान किया। वहीं शिविर में DIG विवेकानंद ने प्रबंधन को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान करने से रक्तदाता का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका लाभ दूसरे जरूरतमंद मरीजों को भी मिलता है, जो सबसे बड़ा मानवता का कार्य है। इस दौरान बैंक प्रबंधन की ओर से DIG का आभार व्यक्त किया गया और आगे भी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा और सुविधा मुहैया कराने के साथ मानवता के तहत अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने की बात कही। रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक के मैनेजर अरुण झा और उनकी मेडिकल टीम द्वारा बारी बारी से सर्किल ऑफिस समेत बैंक के विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधकों और कर्मियों ने रक्तदान किया। मौके पर सुमित आनंद, शिव शंकर पांडे के अलावा कई शाखा प्रबंधक, बैंक कर्मी, नर्स और लैब टेक्नीशियन मौजूद रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर उनके द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और आने पर मैं भी इंस्पायर्ड हुआ और मैंने भी मुझे लगा कि कहकर कोई काम करने से अच्छा है कि उसको कर दिखाया जाए। और इससे पहले भी मैंने कई बार ब्लड डोनेशन किया है, सबसे पहली बार 1987 में किया था। जब भी ऐसे अवसर आते हैं अवश्य डोनेट करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सारे लोग आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अंतर्गत नगरा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की बात
कही जा रही है, जिसकी पहचान नगर निवासी उमाकांत गोस्वामी, जयप्रकाश गोस्वामी और चंदन गोस्वामी के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद घायलों को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उमाकांत और जयप्रकाश को JLMCH भागलपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल कटनी के दौरान गांव के लोगों द्वारा ही तीनों के साथ मारपीट की गई। इसको लेकर जयप्रकाश और उमाकांत ने बताया कि दबंगों के द्वारा जबरन उन लोगों के खेत में गेहूं की कटनी की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वे लोग जमीन का कागजात लेकर खेत पहुंचे, जहां गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी दबंगों के साथ मौजूद थे। दोनों घायलों का कहना है कि उन लोगों ने कटनी कर रहे रामदास मिश्रा उर्फ मालो पांडे, लक्ष्मण मिश्रा उर्फ सरला समेत अन्य लोगों को कटनी करने से रोका और विधायक गोपाल मंडल को उस खेत की जमीन का कागजात दिखाकर अपने मालिकाना हक की बात कही। लेकिन इस पर गोपालपुर विधायक उन सभी पर आक्रोशित हो गए और सभी लोगों ने मिलकर उन तीनों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि 2.25 बीघा जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस को भी पहले से ही है। इधर बड़ा सवाल यह है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस माननीय की जिम्मेदारी हिंसा और दबंगई पर लगाम लगाने की है, उनकी मौजूदगी और संरक्षण से इस तरह की घटना कई सवाल भी खड़े करती है। हम 10 बजे जब अपने खेत पर गए तो देखते हैं कि ट्रैक्टर से वो जो है फसल कटवा रहा है। कौन? हमारा लक्ष्मण मिश्रा, रामदास मिश्रा। हम जो है ये रसीद दिखाने के लिए गए थे कि देखो अगर तुम्हारे पास में रसीद है तो तुम कटवाओ, अन्यथा छोड़ दो। बस यही दिखाने के लिए गए थे। उधर से जो है मतलब 3-4 गो आदमी मुंह में गमछा बांधे हुए बस हमको पड़पड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद यह दोनों भाईवा जो है लाठी वार कर दिया। हाँ, विधायक भी थे। कौन विधायक? गोपाल मंडल। आप देखे थे? हाँ। वो क्या किए थे? पहला लाठी तो वही चलाया। कौन? गोपाल मंडल। हाँ। किसके ऊपर? हमारे ऊपर, तीनों के ऊपर। अच्छा, तीनों को मारे। उसके बाद जो है तब उसका जो है मतलब जो हम तो उसको तो गलमुछी लगे लिए था। उसके बाद जो है वो विधायक भी गलमुछी लगा लिया था? नहीं, विधायक को तो हम पहचाने तब ना हम बोल रहे हैं आपको, बाकी सब गलमुछी लगाया। पहले उसका गोपाल मंडल जी का अथी क्या कहते हैं बॉडीगार्ड जो था वही शुरू किया। अच्छा। तब ई दो भाई भी था, रामदास मिश्र, लक्ष्मण मिश्र, आरू सब अज्ञात आदमी था। भागलपुर के शंकरपुर गांव में मंगलवार की दोपहर आग लग जाने से करीब 12 घर जलकर राख हो गया। इस घटना में घर में रखा सामान, अनाज, रुपये और 2 बकरी समेत एक ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गया, जिसे पीड़ित परिवार गहरे सदमे में चले गए। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पीड़ित परिवारों की सूद लेने नहीं पहुंचे, जबकि घर का सारा सामान और रुपये के जल जाने से वे सभी खुले आसमान के नीचे भुखमरी के लिए विवश हैं। हाल यह है कि जिस आग में ग्रामीणों का पूरा घर तबाह हो गया, उन घरों में केवल घर का चूल्हा ही नजर आ रहा है, लेकिन उनके पास खाना बनाने के लिए अनाज नहीं है। पीड़ित परिवार ने कहा कि सर छुपाने के लिए पॉलिथीन की व्यवस्था तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण परिवार भूखे पेट ही रात गुजारने को मजबूर है। कोई अनाज पानी कुछ नहीं है। व्यवस्था होना चाहिए था कि नहीं? व्यवस्था कम से हो, सब जितना है पैसा कौड़ी सब जलिए, घर से कुछ ही निकल गए, कपड़ा को चाहे लेकिन